हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपटा। सो आज हम यहाँ से तुंगनाथ महादेव का ट्रैक करने वाले हैं, जो यहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हम लोग सोनप्रयाग से चल के कल शाम को चोपटा पहुँचे। सो चोपटा में हमने कैंप बुक किया था। बाकी इस कैंप में जाने का रास्ता काफ़ी डरावना लग रहा था, पूरा अंधेरे में से होके हम लोग नीचे गए थे। बाकी टेंट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कंफर्टेबल था, 4 बेड वाला टेंट था ये, तो हम लोग आराम से सो गए थे। तो यहाँ पे हम लोग कल रात को आए थे, ये टेंट में हम लोग रुके थे। अच्छा था, नींद वैसे अच्छी आई, कोई दिक्कत हुआ नहीं, वो बस जोक वाला दिक्कत हुआ था। तो ये है हमारे टेंट का बाहर का व्यू। सो पैसिफिक कैंप करके है ये। तो बाकी यहाँ पे नज़ारे देखिए, कितना ग्रीनरी है यहाँ पे। और ये दूर वहाँ पे बंदर मस्त अपने आप को खुजला रहा है, खुजली करने के अपने मज़े हैं। जंगल के बीच। बाकी ये है टेंट से सुबह के नज़ारे, सच में ये स्विट्ज़रलैंड ही लग रहा है। और यहाँ पे परवेश भाई अपना मस्त रिलैक्स कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अभी आपको व्यू दिखाते हैं आपका। ये देखिए नज़ारे यहाँ से, भाई आज मैं ऊपर, आसमान नीचे वाला सीन हो रहा है। ये देखिए यहाँ से नज़ारे, अपने अपनी ऑडियंस को दिखा रहे हैं। 500 फॉलोअर्स, 460 बूंद बूंद से खड़ा होता है। तुम्हारे कितने हैं? हेलो, 2 है। मेरा चैनल ही नहीं है, मैं वीडियो लाइव चल रहा है। हां तो अच्छी बात है, बनाओ। म्यूट कर दूंगा इसको तुम्हें। लाइव चल रहा है? नहीं नहीं, हैं रिकॉर्ड हो रहा है। यही सही यार, यहां पे भी रूम है। हम लोग कल रात को वहां से आए थे। इतना ऊपर है देखो, जो गाड़ियां खड़ी है यहां से, यहाँ पे आए थे। नेचुरल वॉशरूम, ओपन एयर वॉशरूम। निकल रहे हैं यहाँ से, हमारा टेंट उस तरफ टॉयलेट है, इसको हटा के यहाँ पे वॉशरूम था। अच्छा स्टे था, बस जोक से थोड़ा सा ध्यान रखना था, बढ़िया था। चलिए निकलते हैं तुंगनाथ बाबा के ट्रैक के लिए। और अभी मौसम भी काफी क्लियर हो गया है यहाँ पे। ये देखिए कितना सही नजारा है यहाँ से, दूर दूर तक बादल पहाड़ों के सामने, कितना प्यारा लग रहा है। इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। वो यहाँ पे ये देखिए बड़े बड़े मीडोज हैं, इसकी वजह से इसको स्विट्जरलैंड बोलते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड। लाइट आ रही है भैया? लाइट रात को आई है, अपन ने लाइट नहीं आ रही है। तो ये तुंगनाथ जाने का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंट्री गेट है बेसिकली। तो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। अभी हम वहाँ से नीचे से आए, पूरा जंगल एरिया है और वहाँ ऊपर जाएंगे। अभी एक एक रेडबुल पी लिया है। इधर नीचे भी सही नज़ारा है, लोग वहाँ व्यू देख रहे हैं। पूरा बादलों से ढका हुआ आसमान।
ये ट्रैक जंगल से होके जाता है जो फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर आता है। बाकी ये केदारनाथ ट्रैक से काफ़ी अलग है, यहाँ पे आपको घोड़े खच्चर भी बहुत ही कम मिलेंगे और एकदम फ्रेशनेस मिलेगी यहाँ पे। ये खुले मैदान, घास के मैदान हैं, पीछे बादल दिखेंगे और यहाँ पे उतना क्राउड भी नहीं है। शॉर्टकट ले रहे हैं इस रास्ता ये है, यहाँ से होते ज़्यादा हम लोग यहाँ शॉर्टकट लिए हैं। 2 किलोमीटर चल गए ऑलमोस्ट और व्यू जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं व्यू भी शानदार होते जा रहे हैं भाई। काफ़ी केदारनाथ से काफ़ी अलग है ये ट्रैक, काफ़ी शांति है यहाँ पे। और पीछे देखिए हेलो क्या व्यू। अभी ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर आ चुके हैं, हम लोग शॉर्टकट ले रहे हैं और थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके हैं। वहाँ पीछे ऊपर तक जाना है, वहाँ तक जाना है हमको। और यहाँ पे किसी पुरुष भाई बैठे हैं, बाकी वेदर बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। हाँ भाई 2 किलोमीटर चल गए हैं, टी ब्रेक के लिए रुके हैं अभी। गौरव भाई आप कुछ नहीं ले रहे? क्या आप कुछ नहीं ले रहे चाय भाई? मैं भाई स्लाइस स्लाइस लोगे, ठंडी में ठंडा पियेंगे गौरव, ठंडा पियेंगे हम। चलो बढ़िया है, बाकी चाय का अलग आनंद है। जैसे लोहा का लोहा काटेगा ठंड को ठंड काटेगी। देखते ही देखते थोड़ी देर में बारिश भी स्टार्ट हो गई थी तो हमने फिर से अपने रेनकोट डाल लिए। और ये आखिरी पड़ाव है, ये जो रास्ता है वहाँ पे टॉप तक जाना है। सो आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ट्रैकिंग हम लोग पहुंच गए बाबा तुंगनाथ के दरबार। ये केदार पंच केदार में तृतीय केदार है और ये विश्व का हाईएस्ट शिवा टेंपल भी है। और टॉप से क्या नज़ारे दिख रहे हैं देखिए आप, मतलब इतने सारे बादल और हमारी आंखों के सामने। हमारा ये ट्रैक काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट था, इतने शानदार नज़ारों के बीच हमने ट्रैक किया और अच्छे से बाबा तुंगनाथ के दर्शन भी किए। तुंगनाथ से रिटर्न में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 या 40 मिनट में वापस आ जाओगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय तुंगनाथ बाबा, जय श्री केदार, हर हर महादेव।